नमस्कार, वेलकम टू केडी नंबर्स, वेलकम टू वास्तु शास्त्र। आज के वास्तु शास्त्र के वीडियो में हम स्टडीज रिलेटेड, स्टूडेंट्स रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट ऐसे आए हैं कि एग्जाम्स नजदीक हैं, बच्चों की पढ़ाई बरोबर नहीं हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, उसको याद नहीं रहता है, ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट्स सी हाउ वास्तु शास्त्र कैन हेल्प योर किड्स टू गेट बेस्ट आउट ऑफ दैट। लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर वन, एज पर वास्तु शास्त्र योर स्टडी रूम शुड बी प्लेस्ड इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। फिर से एक दोहरा रहा हूं, आपका स्टडी रूम, नॉट टेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी रूम, शुड बी प्लेस्ड इन आइदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। नाउ टिप नंबर टू, व्हाइल स्टडीइंग the face of the student should be towards east or northeast direction। tip number 3, aap jab table pe baithe hain to aapke samne ek deewar honi chahiye, window kabhi nahi honi chahiye, never sit in front of a window, this may also affect your health। aur dusri baat ye hai ki aap jab baithe hain aapke samne jo deewar hai wo blank nahi rehni chahiye, usme kuch motivational wallpaper barabar या तो पोस्टर्स वो लगा सकते हैं। और दीवार हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए, मतलब उस पे जो पेंट है वो लाइट कलर वाला होना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, प्लीज अवॉइड डार्क कलर्स। तीसरी बात, आपके बैक साइड में विंडो नहीं खुलना चाहिए, विंडो आपके साइड में होना चाहिए, वेर एवर यू आर सिटिंग विंडो शुड नॉट ओपन टू योर बैक, राइट, दिस मे इफेक्ट योर हेल्थ। टिप नंबर 4, योर स्टडी रूम शुड बी वेल लिटेड, ब्राइट होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, डिम लाइट का यूज मत कीजिए, और अगर आपको कम लग रहा है तो यू कैन यूज लैम्प, जो टेबल लैम्प आता है वो आपके स्टडी टेबल के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, ये भी आपको काफी मददगार रहेगा। टिप नंबर 5, आपके स्टडी रूम में टेबल, चेयर या अदर स्टडी मटेरियल इरेगुलर शेप में नहीं होना चाहिए, either it should be square or in rectangular shape, this will enhance your concentration। tip number 6, try to avoid bathroom attached study room, that means aapke study room mein bathroom nahi hona chahiye। tip number 7, aapke bacche ki studies aur concentration badhane ke liye apne study table pe ek pyramid shape ka koi bhi vastu rakhiye, aur pyramid bhi rakh sakte hain, not only on study table, you can keep it anywhere in the study room, this will help you in studies। tip number 8, the walls of the study room should be painted with light colors, jaise light yellow hai, light blue hai, ye colors honge to acha rahega studies ke liye, please avoid dark colors। ha agar aap research related karte hain aapke studies ya to kuch technical hai, then you can go for either orange or even dark blue, orange bahut better rahega aapko research related studies ke liye। tip number 9, योर टेबल एंड योर स्टडी रूम शुड बी क्लटर फ्री, जब भी कोई चीज लेते हैं तो उसको फिर से वही जगह पर रख दीजिए, टेबल साफ सुथरा होना चाहिए, स्टडी रूम में हर जगह बुक्स नहीं दिखने चाहिए, ज्यादातर बच्चे यहाँ वहाँ पढ़ के जैसे पढ़ते हैं वैसे बुक्स का थप्पी बनाते जाते हैं, बरोबर उनका टेबल पूरा बुक से भरा होता है, हर चीज से भरा होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन तोड़ सकता है। टिप नंबर 10, अगर आपके घर में 3 से 4 दरवाजे एक लाइन में हैं, तो आपका स्टडी रूम या स्टडी टेबल उसके बीच में नहीं आना चाहिए, ट्राई टू अवॉइड दैट स्ट्रेट लाइन, साइड में बैठिए, बरोबर कहीं कॉर्नर पे बैठिए और इस डायरेक्शन की तरफ बैठिए। टिप नंबर 11, नाउ इट्स मॉडर्न टाइम, हर एक बच्चे के हाथ में कोई ना कोई गैजेट्स होगा, मोबाइल होगा, नोटपैड, आईपैड, लैपटॉप, व्हाटएवर, राइट, तो ये जो गैजेट्स हैं ये इनका डायरेक्शन आइदर इट शुड बी इन साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो उस तरफ रखिए जो आपके स्टडीज में हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेंट्रेशन में हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे, प्लीज अवॉइड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉर दिस गैजेट्स। टिप नंबर 12, आप अपने स्टडी रूम में मोटिवेशनल कोट्स, आपके गोल्स, आप कितना परसेंटेज स्कोर करेंगे, क्या बनना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े आप कुछ पोस्टर जैसा बना के लगा सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। और दूसरी बात, आप इवन जो वर्ल्ड ग्लोब आता है ना वो रख सकते हैं या तो वर्ल्ड मैप रख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके स्टडी रूम में। टिप नंबर 13,
ये टिप स्पेशली पेरेंट्स के लिए है. सी टू इट दैट इफ योर चाइल्ड हैज डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन स्कूल, कोई प्रोग्राम में भाग लिया हो, कोई क्विज में जीता हो या कुछ अच्छे मार्क्स ले हैं, तो ट्राई टू न्यूट्रलाइज द इविल आई. नज़र उतारना बोलते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है. वंस इन अ वीक आपको ये नज़र उतारने का काम करना है. बहुत ईजी है. आप 6 से 7 लाल मिर्ची ले लीजिए और उसमें थोड़ा सॉल्ट डालिए और उसे 5 से 7 बार अपने लड़का या तो लड़की को बिठा के उसके सर पे घुमाइए. 7 बार यूँ घुमाइए और 7 बार इसे उल्टा घुमाइए. फिर उसके बाद उसे स्टोव पे रख दीजिए. आप देखिए फिर ऑलमोस्ट इट विल गेट ऑल न्यूट्रलाइज. ये बहुत ज़रूरी है और आपका बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा. टिप नंबर 14, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. व्हाइल स्लीपिंग सी टू इट दैट योर हेड इज टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. आपको ईस्ट डायरेक्शन अपने सर को रख के सोना है और ये आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं. थैंक यू.